अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 2 ऑफ द सब्जेक्ट कंप्यूटर. द टॉपिक ऑफ लेसन 2 इज द कंप्यूटर एंड यू. स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न अबाउट द बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर इन प्रीवियस चैप्टर. So, what are the basic functions of computer? There are 3 functions. Number 1 is input, number 2 processing, and number 3 is output. Computer ke 3 basic functions kaun se hain? Input, processing, and output. Computer pehle input devices se input leta hai. Means keyboard ya phir mouse se. Jab wo input leta hai, to us input ko phir process karta hai using processing device. Aur processing device kaun si hai? Ji, CPU. और जब CPU से डाटा प्रोसेस हो जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है, यानी आउटपुट बन जाता है. और इस आउटपुट को कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हुए शो करता है. और बताइए आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? लाइक प्रिंटर एंड मॉनिटर. गुड. इनपुट फंक्शन. अ कंप्यूटर टेक्स इनपुट विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस. कंप्यूटर इनपुट लेता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए. और इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कीबोर्ड या फिर माउस. कीबोर्ड. अ कीबोर्ड प्रोवाइड्स इनपुट टू द कंप्यूटर बाय टाइपिंग ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स. कीबोर्ड इनपुट प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को बाय टाइपिंग लेटर्स और नंबर. मीन्स अगर हम लेटर्स या नंबर बाय यूजिंग कीबोर्ड अगर टाइप कर रहे होते हैं तो ये काम, ये फंक्शन इनपुट फंक्शन कहलाता है बट बाय यूजिंग कीबोर्ड. माउस. अ माउस प्रोवाइड्स इनपुट बाय पॉइंटिंग टू द आइटम्स ऑन द स्क्रीन एंड सेलेक्टिंग देम बाय क्लिकिंग द माउस बटन. माउस क्या करता है? माउस इज यूज टू पॉइंट द आइटम्स. माउस आइटम्स को पॉइंट करने के लिए यूज होता है. इन आइटम्स क्या होते हैं? आइटम्स में भी एनी फोल्डर और फाइल. आइटम्स कोई भी फाइल या फोल्डर जो कि स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहे होते हैं, उनमें से कुछ भी हो सकते हैं. माउस उन फाइल या फोल्डर्स को जब क्लिक करता है या सेलेक्ट करता है, इवन ड्रैग करता है, तो ये तीनों चीज़ें इनपुट करना कहलाती हैं, इनपुट फंक्शन कहलाती हैं बट बाय यूजिंग माउस. और अगर हम इनपुट देना चाह रहे हो कीबोर्ड से तो क्या कहलाएगा? टाइपिंग. मीन्स टाइपिंग एंड pointing is input device, sorry, input function. Students, we have learned input functions of computer. हमने अब तक input function computer के पढ़े हैं. Students, have you ever thought that you also have performed input function? कभी आपने अपने बारे में सोचा कि क्या आपने input function perform किया है? You receive input by your organs like eye, ears, nose, tongue and skin. आप भी input receive करते हैं by your organs, अपने organs के ज़रिए. और वो कौन से organs हैं? आपकी आँखें, कान, नाक, ज़बान या फिर आपकी skin. ये तमाम चीज़ें आपको input provide करती हैं. Eyes. Your eyes provide input by seeing. आपकी आँखें इनपुट प्रोवाइड करती हैं देख कर किसी चीज़ को. वट इज़ सीन बाई योर आईज इज़ कन्वेड टू द ब्रेन ऑफ एज इनपुट. जो भी आप देखते हैं अपनी आँखों से वो कन्वे हो जाता है आपके ब्रेन में. मीन्स अभी आप अपना लेक्चर देख रहे हैं, अपना लेसन देख रहे हैं, तो इसमें जो आपको स्क्रीन पे वर्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये सब एज ए इनपुट आपके ब्रेन में जा रहा है. ईयर्स. योर ईयर्स लिसन टू द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड इनपुट टू योर ब्रेन. आपके ईयर्स, आपके कान सुनते हैं इंस्ट्रक्शंस को, यानी कि जो बात हो रही होती है उसको, एंड प्रोवाइड और प्रोवाइड करते हैं इनपुट टू योर ब्रेन. यानी कि हमारे कान जब बातों को सुनते हैं तो उनको एज ए इनपुट हमारे ब्रेन में प्रोवाइड कर रहे होते हैं. लाइक अभी आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जो आप जो कुछ सुन रहे हैं वो आपके ब्रेन में एज ए इनपुट जा रहा है. नोज़. योर नोज़ प्रोवाइड्स इनपुट बाय स्मेलिंग.
आपकी नोज़ इनपुट प्रोवाइड करती है बाय स्मेलिंग, सूंघने से। स्टूडेंट्स, जब भी कभी आप किसी चीज़ को सूंघते हैं तो उसकी एक पिक्चर आपके जहन में आ जाती होगी। अगर आप कोई आप घर में आए हैं, आपकी मदर कुछ कुक कर रही हैं, आप जस्ट उसकी स्मेलिंग से ही पहचान लेंगे कि व्हाट इज़ दिस, तो ये क्या है, स्मेलिंग करना क्या है, दिस इज़ इनपुट। टंग, योर टंग प्रोवाइड्स इनपुट बाय टेस्टिंग, और आपकी ज़बान टेस्ट करके इनपुट प्रोवाइड करती है। मीन्स हम जब कुछ चखते हैं तो वो जो चखना कहलाता है, टेस्टिंग जो कहलाता है, दैट इज़ इनपुट फंक्शन। लास्ट वन, स्किन, योर स्किन प्रोवाइड्स इनपुट बाय फीलिंग द टच, और आपकी स्किन प्रोवाइड करती है इनपुट जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं, तो जो फील टच करने के बाद जो फील करते हैं, दैट इज़ इनपुट। मीन्स अगर आपने किसी हार्ड चीज़ को टच किया है तो आपको पता चला दैट इज़ हार्ड। इसी तरह से आपने किसी सॉफ्ट चीज़ को अगर टच किया तो आपको फील होता है दिस इज़ सॉफ्ट। तो ये जो फीलिंग्स हैं, दिस इज़ कॉल्ड इनपुट। स्टूडेंट्स, हैव यू नोटिस दैट द इनपुट फंक्शन दैट वी परफॉर्म आर एक्चुअली 5 सेंसेस ऑफ आर बॉडी। जो इनपुट फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं वो क्या हैं, वो 5 सेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं, लाइक टच, स्मेल, टेस्ट, हेयर एंड साइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इज डन आफ्टर इनपुट। इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है। ऑल द प्रोसेसिंग वर्क फॉर द कंप्यूटर इज डन बाय CPU। कंप्यूटर का सारा प्रोसेसिंग वर्क CPU में होता है। सो इज सेट टू बी द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो इसीलिए CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। मींस कंप्यूटर का जो ब्रेन है यानी CPU, वो प्रोसेसिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। सो क्या हमारा ब्रेन भी प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है? यस, आवर ब्रेन इज प्रोसेसिंग ऑर्गन। हमारा ब्रेन प्रोसेसिंग ऑर्गन है। योर ब्रेन डज ऑल द प्रोसेसिंग फॉर यू। आपका ब्रेन सारी प्रोसेसिंग आपके लिए करता है। मींस हमने भी देखा था कि जितने भी इनपुट फंक्शन परफॉर्म हो रहे थे, लाइक आईज, नोज, टंग या स्किन, एयर्स जो इनपुट फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, दैट आर गोइंग टू ब्रेन। वो सब कहाँ जा रहे थे? ब्रेन में जा रहे थे। क्यों? बिकॉज उन इनपुट को प्रोसेस होना था, और प्रोसेस कहाँ होता है? ब्रेन में। योर ब्रेन रिसीव्स इनपुट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। आपका ब्रेन रिसीव करता है इनपुट डिफरेंट पार्ट्स से आपकी बॉडी के, एंड गिव्स इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन देता है टू द अदर पार्ट्स टू डू द डिज़ायर्ड वर्क, और फिर इंस्ट्रक्शन देता है दूसरे पार्ट्स को जो काम उसको करना होता है, उन पार्ट्स को करना होता है, उनको इंस्ट्रक्शन देता है। मीन्स यानी ब्रेन से जो आगे इंस्ट्रक्शन जा रही हैं वो कहाँ जा रही होंगी? ऑब्वियसली प्रोसेसिंग के बाद जो फंक्शन परफॉर्म होना है। बताइए, इनपुट देन प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद कौन सा फंक्शन परफॉर्म होता है? आफ्टर प्रोसेसिंग वी हैव आउटपुट फंक्शन। प्रोसेसिंग के बाद कौन सा फंक्शन होता है? दैट इज आउटपुट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आउटपुट फंक्शन इन कंप्यूटर। अब हम आउटपुट फंक्शन कंप्यूटर में कैसे परफॉर्म होता है वो देख रहे हैं। अ कंप्यूटर गिव्स आउटपुट विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर एंड प्रिंटर। कंप्यूटर आउटपुट प्रोवाइड करता है मॉनिटर या प्रिंटर के जरिए। मॉनिटर, अ मॉनिटर डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। मॉनिटर रिजल्ट को स्क्रीन पे शो करता है। प्रिंटर, अ प्रिंटर प्रिंट्स द आउटपुट ऑन पेपर। लेकिन प्रिंटर प्रिंट करता है आउटपुट को कहाँ? पेपर पर। दीज आर मॉनिटर एंड प्रिंटर, एंड बोथ डिवाइसेस आर यूज टू शो इन्फॉर्मेशन ऑन ए स्क्रीन और पेपर एज आउटपुट। नाउ व्हाट अबाउट आउटपुट फंक्शंस इन योर बॉडी? आपकी बॉडी में आउटपुट फंक्शंस कहाँ परफॉर्म होता है, कैसे होता है? यू यूज़ योर माउथ, हैंड्स एंड लेग्स टू प्रोवाइड आउटपुट।
आप अपना माउथ, आपके हैंड्स या फिर लेग्स को यूज़ करते हैं आउटपुट फंक्शंस को प्रोवाइड परफॉर्म करने के लिए. माउथ, योर माउथ गिव्स आउटपुट बाय स्पीकिंग. हम बोलते हैं जो हमारा बोलना है, दिस इज़ एक्चुअली आउटपुट. ये क्या है आउटपुट? कैसे? देखिए, हम बिना सोचे नहीं बोलते. हम जो कुछ सोच रहे होते हैं एक्चुअली हम वही बोल रहे होते हैं. तो अभी जो मैं कुछ कह रही हूँ वो सब मेरे दिमाग में है जो मैं कह रही हूँ, बाय यूजिंग माय माउथ, अपने माउथ को यूज़ करते हुए. सो मेरे ब्रेन ने मुझे जो ऑर्डर किया वो मेरे माउथ ने परफॉर्म किया. सो प्रोसेसिंग डिवाइस के बाद जो वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है? आउटपुट हो रहा है. अगर स्पीकिंग है तो वो क्या कहलाएगा? आउटपुट, जो कि माउथ से परफॉर्म हो रहा है. हैंड्स एंड लेग्स, योर हैंड्स एंड लेग्स परफॉर्म डिफरेंट एक्शन लाइक राइटिंग, वॉकिंग, रनिंग एक्सेट्रा. और ये सब चीज़ें भी आउटपुट क्यों कहला रही हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन ही हमारे हैंड्स या फिर हमारे लेग्स को कहता है कि राइट करें, वॉक करें, रन करें, या फिर इस तरह से ही दूसरी टास्किंग जो कि हम हैंड्स और लेग्स से परफॉर्म करते हैं. सो जो परफॉर्मेंस माउथ, हैंड या लेग से हो रही है ये सब क्या कहलाती हैं? आउटपुट फंक्शंस. दीज आर द ऑर्गन्स इन आर बॉडी यूज टू परफॉर्म आउटपुट फंक्शंस. स्टूडेंट्स, द फंक्शन कंप्यूटर परफॉर्म आर ऑल्सो द फंक्शंस व्हाट वी परफॉर्म. सो इज कंप्यूटर सिमिलर टू आर बॉडी? तो क्या कंप्यूटर हमारी बॉडी के ही तरह है? Children, you have seen how a computer performs input, processing and output functions similar to our body. But computer is not the same as your body. लेकिन फिर भी computer आपकी body की तरह नहीं है. Why and how? क्यों और कैसे? जब computer के सारे functions जो computer perform कर सकता है वही हम कर सकते हैं, फिर क्यों कंप्यूटर हमारी तरह नहीं है या हम कंप्यूटर की तरह नहीं हैं? इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला इन आर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.